नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अल्फा टेक्नो एजुकेशन। 25 मार्च की करंट अफेयर्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो सभी स्टेट्स और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सेशन डेली आने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। जो कि सारे स्टेट्स और आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स जैसे UPSI, यूपी पुलिस, DRDO, MTS, इनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक्नो एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, COVID-19 की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर बी के पॉल। डॉक्टर बी के पॉल, जो कि नीति आयोग के पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नर या डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति का प्रमुख नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वी के पॉल द्वारा किया जाएगा। इस समिति में 21 सदस्य शामिल हैं। सो जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जैसा कि अभी हम सभी लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में थे, होली के दिन अपने 21 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। हम लोग कुछ और जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल हम लोग अगर देखें तो भोपाल है। इसके कुछ अगर इम्पोर्टेंट सिटीज़ देखें तो इसमें आ जाएगा इंदौर, और कुछ सिटीज़ हैं। इसके चीफ मिनिस्टर इस समय शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर हैं लालजी टंडन। और एक चीज़ हम देखते हैं, जब होली के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद जब लालजी टंडन, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने एमपी में फ्लोर टेस्टिंग करवाई, तो कोरोना वायरस के कारण कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं पहुँचे और वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पे इजली मुख्यमंत्री बन गए। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है? तो इसका उत्तर है 25,000 करोड़। 23 मार्च से 27 मार्च तक दिल्ली सरकार का बजट सत्र बुलाया गया था, और जिसे बाद में कोरोना वायरस पैनेडेमिक के कारण 25 मार्च को पेश होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे एक दिन के लिए ही सीमित कर दिया गया है। तो डैट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। हाल ही में किस देश ने भारत और चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है? इसका उत्तर है दोस्तों नेपाल। हाल ही में नेपाल में कोरोना वायरस की वजह से भारत तथा चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों की सीमाएं नेपाल की सीमा से सटी हुई हैं। नेपाल में अभी तक एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं आया है। अगर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन 1931 में इन्हें लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुई भीषण नरसंहार ने भगत सिंह के अंदर आक्रोश भर दिया था, इसी कारण वो स्वतंत्रता सेनानी बने थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में कौन सा पहला देश है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? तो इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों,
जैसे कि हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस का इस समय बहुत ज़्यादा पैनेडमिक है, तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इन दोनों देशों ने मांग की थी कि इन खेलों को वर्ष 2021 में आयोजित किया जाए, जो कि यह सही भी है। यह टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक किया जाना था। अगर दोस्तों कनाडा के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहें तो यह एक नॉर्थ अमेरिकी रीजियन का देश है जिसकी पॉपुलेशन है 3.76 करोड़। इसकी कैपिटल है ओटावा, OTTAWA। इसके पीएम हैं जस्टिन ट्रूडेवा। ओके दोस्तों, फिर हम लोग सातवें क्वेश्चन पे जंप करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदा, वर्षा की स्थिति, चक्रवातों की संभावनाएं, मौसम की सटीक जानकारी आदि के लिए किया जाता है। इस वर्ष 2020 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मुख्य विषय है जल और जलवायु परिवर्तन। तो इतना काफ़ी है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्थान में जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? इसका उत्तर है दोस्तों आईआईटी मद्रास। जो जुलाई 2020 में आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप पाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पहले तो इस देखते हैं दोस्तों हाइपर लूप है क्या। हाइपर लूप इज एन अल्ट्रासोनिक स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका पहला टेस्ट नोएडा, जो कि यूएस का एक प्रदेश है, उसमें किया गया था। जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तो उस समय इसकी स्पीड 192 माइल्स पर आवर थी। कुछ सेकंडों में 192 माइल्स पर आवर की स्पीड ये गेन कर लेता है। अगर इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये आएगा 309 किलोमीटर पर आवर्स इन फ्यू सेकंड्स। तो दोस्तों हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा है। तो इट कैन बी सेड दैट इट्स द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अगर इंडिया में देखें हाइपर लूप का क्या भविष्य है, तो इन इंडिया जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब 31 जुलाई 2019 को हाइपर लूप बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो गया है दोस्तों, उद्धव ठाकरे जी की सरकार है और इन्होंने हाइपर लूप प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया है, यह कह के कि हम अपने प्रदेश की आर्थिक शक्ति कृषि या किसानों की मदद करने में खर्च करेंगे, ना कि फिजूल की चीज़ों में। तो इतना काफ़ी है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस सार्क देश ने कोविड-19 सार्क आपातकालीन निधि में $5 मिलियन का विशेष योगदान दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं हम। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कोविड-19 सार्क इमरजेंसी फंड में $5 मिलियन का विशेष योगदान दिया है। इस आपातकालीन निधि का उपयोग कोरोना वायरस से निपटने संबंधित मुद्दों के लिए किया जा सकता है। इस फंड में भारत के द्वारा $10 मिलियन का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। अगर सार्क देशों के बारे में और जानना चाहें दोस्तों, तो सार्क देशों में टोटल 8 देश हैं।
ये एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन का ग्रुप है जो 8 मार्च 1985 में बनाया गया। सार्क देशों की लिस्ट देखें तो इसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें चाइना नहीं है। सो इट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। जैसे दोस्तों अपने लोगों को पता होगा कि अभी सरकार ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी या कहें करेंसी या नकदी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए डालने का काम शुरू किया है, जो दो पार्ट में कर रही है आरबीआई। पहले पार्ट में इन्होंने 50 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाले, इसके बाद दूसरे पार्ट में फिर से 50 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाले। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आरबीआई क्या है। आरबीआई एक गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई संस्था है जो हमारी करेंसी और आर्थिक नीतियों या आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखती है। इसके डायरेक्टर या गवर्नर हैं श्रीकांत दास इस समय। तो दोस्तों पहले तो हम देखते हैं सरकारी बॉन्ड है क्या। सरकारी बॉन्ड अगर हम देखें दोस्तों तो निवेश के तमाम विकल्पों में सरकारी बॉन्ड भी एक है। इन्हें निवेश के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। इन बॉन्ड्स पर एक तय ब्याज मिलता है। तो दोस्तों इसका देखिए 30,000 करोड़ रुपए है। कोरोना वायरस संकट के बीच रिजर्व बैंक ने 30,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाएगी। ये आज की न्यूज़ है दोस्तों। अगर हम देखें 25 मार्च के दिन अपनी इतिहास में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, तो उन घटनाओं पे हम थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला खबर है 1655 में 25 मार्च के ही दिन क्या हुआ था दोस्तों। 1655 में 25 मार्च के ही दिन शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज हुई थी। और दोस्तों 1807 ईस्वी में 25 मार्च के ही दिन ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा का अंत हुआ था। दोस्तों दास प्रथा क्या होती है? दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो दास प्रथा मानव समाज के लिए एक धब्बा था। दास प्रथा वह होती है जिनमें लोग गुलाम बना के रखे जाते हैं और उनसे मनचाहे काम करवाए जाते हैं उनके मालिकों के द्वारा, और उनके ऊपर दोस्तों अप्रत्याशित अत्याचार किए जाते हैं। अगली डेट देखें दोस्तों तो 1821 में ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध का आरंभ हुआ था। ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध को दोस्तों ग्रीक रेवोल्यूशन का आरंभ भी कहा जाता है। इसमें ग्रीक के स्वतंत्रता सेनानियों ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब दोस्तों 1965 में 25 मार्च के दिन हुआ था नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 4 दिवसीय मार्च संपन्न हुआ था। मार्टिन लूथर जूनियर दोस्तों अपनी हिस्ट्री में दो इम्पोर्टेंट मार्टिन लूथर थे। पहले मार्टिन लूथर थे जिनका जन्म 1507 में हुआ था। 1507 में इन्होंने प्रीस्टहुड की शुरुआत की थी। मार्टिन लूथर यह एक जर्मन प्रोफेसर प्रीस्ट थे और मॉन्क थे। ही इज़ बॉर्न इन जर्मनी। और दूसरे थे दोस्तों जो 1965 में अमरीकी मार्टिन लूथर जूनियर थे, यह जर्मनी के नहीं थे। इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर और एक्टिविस्ट थे। यह मानव अधिकार मूवमेंट के प्रखर प्रवक्ता थे। जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मानवाधिकार का सबसे बड़ा अपने आप को लीडर मानता है अमेरिका, तो वहीं से मानवाधिकार के लीडर भी निकले थे, एक्टिविस्ट भी निकले थे। ये 1955
एरा में बहुत फेमस थे अपनी स्पीचेस के लिए। इनकी फेमस स्पीच थी आई हैव ए ड्रीम। बाद में 1968 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। और ही इज़ बॉर्न इन जॉर्जिया यूएस। तो दोस्तों इतना काफ़ी है। अगला देखते हैं दोस्तों, 1914 ईस्वी में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी एवं नावल पुरस्कार से सम्मानित नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में 25 मार्च के दिन। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों, इन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है, जिनके द्वारा विकसित गेहूं और धान की किस्मों ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की करीब 1 अरब आबादी को भुखमरी से बचाया था। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तो 25 मार्च 1920 के ही दिन स्वाधीनता सेनानी और गांधीवाद नेता उषा मेहता का जन्म हुआ था। उषा मेहता के बारे में अगर कुछ जानना चाहें दोस्तों, तो सी इज़ आल्सो रिमेम्बर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कांग्रेस रेडियो, आल्सो कॉल्ड द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन व्हिच फंक्शन्ड फॉर फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। ये एक एक्टिविस्ट थी जो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उसमें अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाती थी, जिससे हमें क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी या सफलता मिली थी, कुछ कह सकते हैं ऐसा कुछ। ही इज़ बॉर्न इन गुजरात। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तो 25 मार्च 1931 के ही दिन महान पत्रकार और राजनेता गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हो गया था। जो अगर गणेश शंकर विद्यार्थी को देखें दोस्तों, तो ये एक जर्नलिस्ट थे, फेमस जर्नलिस्ट थे अपने इलाके। और ये इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, इस समय हम लोग बहुत ही खराब एरा में जी रहे हैं। इस समय चाइना के द्वारा फैलाया गया COVID-19 कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है दोस्तों। इससे देश में एक भयावह स्थिति है। इसी को फैलने से रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन यह 21 दिन तक कर दिया है। अगर उनकी स्पीचेस की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर दूसरी बार, उन्होंने पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इन्होंने उसमें बताया था कि हम 7 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन जब देखा गया कि COVID-19 के केसेस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए इन्होंने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अगर देखें दोस्तों, तो मंगलवार को देश को संबोधित किया, कल मतलब संबोधित किया, पीएम मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए देश की जनता को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज रात 24 मार्च 12 बजे से देश के हर हिस्से में लॉकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने ये एक तरह का कर्फ्यू ही बताया इसे। यह जनता कर्फ्यू से ज़्यादा सख्त होगा। कोरोना महामारी को रोकने के लिए यह लॉकडाउन ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों ये एक फ़ोटो है, इसमें वायरल हो रही है। आगे और देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उन्होंने एक पोस्टर या कह दीजिए कि कैटलॉग भी दिखाया, जिसमें लिखा गया है को का मतलब कोई, रो का मतलब रोड पर, ना का मतलब ना निकले। तो कोरोना का सीधा मतलब बताया दोस्तों कि कोई रोड पर ना निकले। और देखते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का वचन निभाना है। पीएम ने कहा कि हमें इस वायरस को फैलने से रोकना है। भारत इस वक्त उस स्टेज पर है कि हमारे एक्शन तय करेंगे कि हम इस आपदा के प्रभाव को कितना कम कर सकते हैं। यह समय हमारे समय को बार बार मजबूत करने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। यह धैर्य और अनुशासन का वक्त है। जब तक लॉकडाउन है तब तक अपना वचन निभाना है।
घरों में रहकर आप उन लोगों के लिए मंगल कामना कीजिए जो खुद का खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस चलाने वाले से लेकर अस्पताल, वार्ड स्टाफ और सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इस कठिन परिस्थिति में भी दूसरों की सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपके मोहल्ले को सैनिटाइज कर रहे हैं। दोस्तों, ये उनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है या पालन करना है। अब दोस्तों देखते हैं मार्च मार्च महीने के पूरे डे वाइज इम्पॉर्टेंट डेज। तो 1 मार्च को दोस्तों जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस अगर जी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखें दोस्तों, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है और हमारा इंडिया 102वें प्लेस पे है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेंस। इसी दिन हमारे पीएम ने अपने सोशल अकाउंट्स को एक दिन के लिए इंस्पायरिंग वुमेंस ऑफ इंडिया को देने की बात कही थी, या उनको इसी दिन इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया को दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 14 मार्च वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है और 18 मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है और 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। इससे अभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल गया है दोस्तों। इसमें ये पाया गया या देखा गया है कि पाकिस्तान इज हैप्पियर देन रसिया, चाइना एंड इंडिया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है और 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में भी मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है और 23 मार्च दोस्तों शहीद दिवस और वर्ल्ड म्यूजियम विज्ञान दिवस के रूप में, मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 24 मार्च दोस्तों वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है या ट्यूबर क्लोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। सो दोस्तों, यह रही आज की सारे करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।